हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस के एच रेवोल्यूशन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर जितनी भी आगामी वैकेंसी जो आ रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन भी स्टूडेंट ने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम राजस्थान में जो हुआ था वो दिया है, तो उन स्टूडेंट में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है अच्छी तैयारी के बावजूद जो है मार्क्स अच्छे नहीं बने, तो वो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अभी आगामी बहुत सारी कंप्यूटर फील्ड के अंदर वैकेंसी आने वाली है, तो आपको इसके लिए डीमोटिवेट होना नहीं है, बल्कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर उनके लिए भी बात करेंगे जिनके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स है और वो आगामी कोई भी वैकेंसी में तैयारी करना चाहता है अच्छी पोस्ट के लिए, तो हम उनके लिए भी यहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट वैकेंसी जो है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर की। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंप्यूटर प्रोग्रामर की बात करें तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और ग्रेड पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इसका सिलेबस और क्या क्वालिफिकेशंस रहेगा आपका, तो वो सब मैं आपको बता देती हूँ। और साथ में फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट के कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स बन रही है और वो अगर तैयारी करना चाहते हैं अच्छी पोस्ट के लिए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशंस जो है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पर बीटेक, एमएससी इन आईटी, सीएस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस एंड एमसीए, यानी कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में एंड एमसीए के अंदर आपका ये जो है बीटेक या एमएससी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वालिफिकेशंस है वो यहाँ पे एमटेक हो सकती है आईटी सेक्टर में, सीएस सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट यहाँ पे है एमबीए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस इसके अंदर रहेगी। यहाँ पर मेन एक बात है कि फ्रेंड्स, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट जो है उनको भी शामिल किया गया है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सेम इसका पैटर्न जो है लगभग अगर हम देखें तो दो पेपर इसके अंदर होंगे, जैसे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्ज़ाम में रखे गए थे। तो फर्स्ट पेपर जो रहेगा उसमें आपका रहेगा रीजनिंग, जीके, न्यूमेरिकल एबिलिटी, डीबीएमएस और डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्क, ये आपके यहाँ पर सब्जेक्ट रहेंगे पेपर फर्स्ट में। पर हम बात करें अगर पेपर सेकेंड की, तो यहाँ पर आपका रहेगा सेड, यानी कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। और नेक्स्ट जो रहेगा इसमें चैप्टर जो है वो है आपका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, और प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में आपका रहेगा जावा, उप्स के कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम वैकेंसी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है वैकेंसी जो आपके लिए वो है आईए की वैकेंसी, यानी कि इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी जो है वो आपकी आने वाली है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट की जो आईए पोस्ट के लिए यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो नोटिफिकेशंस वगैरह है वो आपका अगस्त मंथ के अंदर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लास्ट जो हमारी वैकेंसी है अभी वो है डीएसएसबी की वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बारे में बात करें तो इसके अंदर ये कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी है। इसका सिलेबस क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है और फॉर्म डेट जो है वो क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर हम डीएसएसबी वैकेंसी की बारे में बात करें तो ये है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। और यहाँ पर अगर हम वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो इसकी ओपनिंग डेट है एप्लीकेशंस की वो है 28 जुलाई 2022 और 27 अगस्त 2022 जो है ये क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए कितनी पोस्ट है आपके लिए यहाँ पर कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर, यहाँ पर आपकी 7 और 19 पोस्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी इसकी सैलरी रहेगी क्योंकि सेंट्रल लेवल ये जॉब रहेगी, तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी रहेगी इसमें। तो फ्रेंड्स, अभी इतनी ही वैकेंसी है आई हुई, आप इन सभी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, जो भी नेक्स्ट कोई भी कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर कोई भी वैकेंसी आएगी तो मैं आपको बता दूंगी। और इसी प्रकार की नोटिफिकेशंस को गेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नेक्स्ट कंप्यूटर साइंस फील्ड से कोई भी रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगी।